हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। अभी जो हम गेसिंग लेकर आए हैं वे फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच का है, जिस सब्जेक्ट का नाम है मेटलर्जी एंड क्वालिटी कंट्रोल। यह सब्जेक्ट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देखेंगे उस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कर दें, ताकि सभी बच्चों को कम समय में बेटर हेल्प मिल सके। उससे पहले बाबू, हम जो अभी गेसिंग लेकर आए हैं वो ओनली फॉर सब्जेक्टिव का गेसिंग है, जो आप लोग के एग्जाम में 100% सेम टू सेम आ जाएगा। लेकिन रहा बात ऑब्जेक्टिव के लिए, आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए 4 से 5 ईयर क्वेश्चन बैंक को फॉलो कीजिए। अगर जिन बच्चे के पास अगर किसी प्रकाशन का मॉडल सेट उपलब्ध है तो कृपया वो मॉडल सेट भी पढ़ लें। चलिए बाबू, हम क्वेश्चन को आप लोगों के सामने डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है? तो चलिए बाबू, जो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द मेटलर्जी, स्टेट द नेसेसिटी ऑफ मेटलर्जी। कहने का मेटलर्जी होता क्या है और उसका नेसेसिटी क्यों जरूरत है, उसको आप लोग लिखिएगा, ठीक है? दूसरा जो क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। कहने का मतलब एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में आप लोग को डिफरेंस भी लिखने को आ सकता है, ठीक है? उसके बाद जो बाबू तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म। कुछ जो टर्म है उसको एक्सप्लेन करने को आप लोगों को आ सकता है। जैसे पहला है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है बाबू, पिच क्या होता है, स्लिप गेज क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, स्प्रिट लेवल क्या होता है, साइन बार क्या होता है, ये सभी चीज़ को आप लोग क्या करने का आ सकता है, एक्सप्लेन करने को आ सकता है, ठीक है? या शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन बाबू, लिस्ट द मेजर एरर इन मेजरमेंट एंड एक्सप्लेन। कहने का मतलब एक तरह से टाइप्स ऑफ इरर को आप लोग को बताना है, ग्रॉस इरर, रैंडम इरर, सिस्टमेटिक इरर, जितना तरह के है आप लोग याद कर लीजिएगा, और किसी एक को अगर एक्सप्लेन करने को आ गया तो उसको एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, ठीक है बाबू? चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन लाइन स्टैंडर्ड एंड इंड स्टैंडर्ड। कहने का मतलब लाइन स्टैंडर्ड और इंड स्टैंडर्ड के बीच में डिफरेंस भी लिखने को आ सकता है, ठीक है बाबू? उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कंप्रेट टर्स, ठीक है? डिफाइन कंपरेटर्स एंड राइट इट्स वर्किंग प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। कहने का मतलब कंपरेटर होता क्या है, इसको वर्किंग प्रिंसिपल लिखिएगा, ठीक है बाबू? और इसको एप्लीकेशन भी लिखने को आ सकता है। ये क्वेश्चन अगर आप लोग के एग्जाम में आएगा तो ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिग्मा कंपरेटर। कहने का मतलब सिग्मा कंपरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल लिखने को आ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट फिट। कहने के बाद एक तरह से फिट मतलब टाइप्स ऑफ फिट आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ ऑन एंगल गेज। एंगल गेज से एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसलिए उसको एक बार देखकर चल जाइएगा। उसके बाद व्हाट इज आईएसओ ग्रेड। आईएसओ ग्रेड क्या होता है बाबू, ठीक है? उसको पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेन, ठीक है? उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने को उसका थ्रेड को आ सकता है तो उसको कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है थ्रेड माइक्रोमीटर पढ़ लीजिएगा। क्या लिखे हैं, थ्रेड माइक्रोमीटर को पढ़ लेना। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इरर इन पिच, ठीक है? आ सकता है इरर इन पिच, ठीक है बाबू? दूसरा जो है रोलिंग गियर टेस्ट, ठीक है? इरर इन गियर, ठीक है? ये सब आप लोगों को शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है, ठीक है? पैरेललिज्म्स क्या होता है, स्ट्रेटनेस क्या होता है, ठीक है? स्क्वायरनेस क्या होता है, ये सब आप लोग को लिखने को आ सकता है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टूथ वर्नियर। आप लोगों को टूथ वर्नियर का वर्किंग प्रिंसिपल लिखने को आ सकता है, इसलिए एक बार इसको पढ़ के चाहिएगा। कहने का मतलब आप लोगों को जितना गेसिंग दे एक बार देख कर जाइएगा तो आप लोग एग्जाम में फुल सब्जेक्टिव बना सकते हैं। चलिए बाबू, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी टेक्सचर ऑन ए सरफेस। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख कर जाइएगा। डिफाइन CLA एंड RMS वैल्यू एज अप्लाइड टू सरफेस रफनेस मेजरमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार देखकर चाहिएगा। उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टॉमिलसन सरफेस मीटर फॉर मेजरिंग सरफेस फिनिशिंग। कहने का मतलब टॉमिलसन आ सकता है सरफेस मीटर को लिखने को, किसके लिए यूज किया जाता है बाबू, मेजरिंग सरफेस फिनिशिंग के लिए, ठीक है? अगला जो क्वेश्चन है, डिफाइन द फ्लोइंग। आप लोग का फ्लोइंग डिफाइन करने को आ सकता है, को एक्सिलिटी, ठीक है? कोई एक्सेलिटी, ठीक है? उसके बाद सर्कुलरिटी, ठीक है? उसके बाद क्वालिटी ऑफ डिजाइन,
ठीक है, ये सब जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ISO 9000 या आप लोग को 14000 दोनों आ सकते हैं, इसको एक बार देख कर जाइएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार देख कर जाइएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, व्हाट इज क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस, व्हाट फैक्टर कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख कर जाइएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, एक्सप्लेन कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ क्वालिटी, कहने का मतलब आप लोग को एक्सप्लेन करने को आ सकता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को और वैल्यू ऑफ क्वालिटी को, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, कहने का मतलब इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल को बीच का डिफरेंस भी लिखने को आ सकता है, ठीक है बाबू। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज TQM, TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा, राइट एंड ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एक्यूरेसी, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख कर एग्जाम में जाइएगा। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय सिक्स सिग्मा, डिस्क्राइब विथ सुटेबल एग्जाम्पल, सिक्स सिग्मा एकदम 100% ये लिख लीजिए कि सिक्स सिग्मा आ रहा है, सुटेबल एग्जाम्पल के साथ उसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है बाबू, व्हाट इज SQC, SQC राइट इट्स बेनिफिट, इसका आप लोग को बेनिफिट भी लिखने को आ सकता है। व्हाट इज कंट्रोल चार्ट, राइट इट्स ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल चार्ट क्या होता है उसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य भी लिखने को आ सकता है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट पढ़ लीजिएगा, पी चार्ट, सी चार्ट, ठीक है, आर चार्ट, ये जितना भी सब टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट है, ठीक है। उसके बाद राइट द डिफरेंस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एंड एक्सप्लेन एनीवन, करने के बाद टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़ लीजिएगा और उसको एक को एक्सप्लेन करने को आ सकती थी, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ड्रा ए नीट स्केच ऑफ एन OC curve, OC curve बहुत इंपॉर्टेंट है, OC curve के बारे में आप लोग पढ़ के एग्जाम में जाइएगा। OC curve में आप लोग AQL, LT, PD आ सकता है, IQL, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेम द कंट्रोल चार्ट, बता दिए कुछ कंट्रोल चार्ट का आप लोग को नेमिंग लिखने को आ सकता है, जो हम आप लोग को बता दिए, पी चार्ट, सी चार्ट, आर चार्ट, जितना भी ये सब कंट्रोल चार्ट है। उसके बाद फ्लोइंग नोट्स ऑन लिखने को आ सकता है, द रिपीटेबिलिटी क्या होता है, ठीक है बाबू, सेलिब्रेशन क्या होता है, ये सब दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद टायलर्स प्रिंसिपल, ठीक है, टायलर्स प्रिंसिपल ऑफ गेज डिजाइन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सप्लेन यूनिवर्सल बीवेल प्रोटेक्टर, जो आप लोग को एक्सप्लेन करने का आ सकते हैं, या इसको वर्किंग प्रिंसिपल भी लिखने को आ सकते हैं विथ फिगर के साथ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टू वायर मेथड, दो वायर मेथड को आप लोग को एक्सप्लेन करने को आ सकता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल मेजरमेंट, कहने का मतलब एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल मेजरमेंट क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस भी लिखने को आ सकता है। कहने का मतलब जो हम बाबू अभी आप लोग को 17 से 18 जो क्वेश्चन करें, अगर इतना आप लोग पढ़ के जाइएगा तो एग्जाम में 50 में 50 सब्जेक्टिव बना के आ सकते हैं। चलिए बाबू फटाफट इसको सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी दोस्त को कम समय में आप लोगों का बेटर मार्क्स आ सके, जो कि एग्जाम के दृष्टि से नहीं लेकिन कंपटीशन के दृष्टि से बिहार में बहुत ही मार्क्स इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है बाबू। थैंक यू बाबू।